जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो चौक से आपका सीधा हम चलेंगे देवकाली की तरफ, और जो भी डेवलपमेंट है वो देखेंगे सबसे पहले। और ये अभी रामपथ पे ऊपर है, और रामपथ चौड़ीकरण इस समय आप देख सकते हैं अपनी सीमा पे है। और उसके बाद का जो भी आपका पूरा यहाँ पर रामपथ पे बनने लगी, रोड निर्माण कार्य भी तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है। बात करूँ तो सीधा आपका रिकाबगंज से लगभग बेनीगंज तक अभी रोड जो निर्माण कार्य है वो धीरे है, और बाकी मतलब यहाँ पे गिट्टियाँ तो बिछा दी गई। और वो जो रोड, क्योंकि यहाँ पे बारिश होने के कारण यहाँ पे पूरा गिट्टियाँ और पूरा चहटा हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा कार्य धीरे है, आप देख सकते हैं खुद। तो अभी हम चलेंगे सीधा आगे और आपको आगे पूरा दिखाएंगे। और मैं सोच रहा था आज रामपथ से सीधा भी आपको लेके चलूँ मैं देवकाली की तरफ। तो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको जो भी यहाँ पे होने वाला है आपका। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कि आपको यहाँ पे गड्ढा देखने को मिल गया सीवर वाला, वो चीज़ पूरा ऐसे मतलब पानी की वजह से यहाँ पे थोड़ा गड्ढा हो जाता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मशीनें यहाँ पे ठप हो चुकी है, ऐसे पूरा बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे बारिश होने की वजह से पूरा पानी भरा हुआ है रामपथ पे, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये देखिए एक मशीन यहाँ पे खड़ी हुई है जेसीबी आपकी। और अभी हम यहाँ से चलते हैं सीधा और देखते हैं जो भी यहाँ पे अपडेट है यहाँ पे रामपथ का। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रामपथ भाई, यहाँ पे इस समय पानी बरसने की वजह से बहुत धीरे हो चुका है यहाँ पे काम, और ये देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर दुकानों की बात करो तो यहाँ पे पूरा बनाया भी जा रहा है, मेंटेन कर दी गई, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और यहाँ पे जो लोग चल रहे हैं उनको समस्या भी बहुत हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे चहटा होने के कारण पूरा एकदम बहुत ज़्यादा मिट्टी फैली हुई है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पानी भरा हुआ है। सामने जैसे नाला था ना, तो उसका पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा था, तो उसको रीडेवलप किया जा रहा था, तो पूरा मिट्टियाँ निकाली गई, तो उस वजह से यहाँ पर फैल गई है पूरा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और ये देखिए। तो इस ब्लॉग में मैं आपको लेके चल रहा था सीधा, मैंने सोचा आपको आज देवकाली का डेवलपमेंट दिखाया गया। अभी जस्ट यहाँ से अभी हम आगे से लेफ्ट लेंगे और वहाँ से सीधा चलेंगे और देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, और वहाँ पे गुलाबबाड़ी की तरफ भी लेके चलूँगा मैं आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट अभी यहाँ से अभी हम चलने वाले हैं देवकाली की तरफ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो यहाँ पर सीवर का काम हो रहा है आपका, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पूरा चल रहा है काम, और सीधा भी हम चलते हैं देवकाली की तरफ, देवकाली की तरफ, और जो भी अपडेट है सारा देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जगह जगह पे यहाँ पे सीवर निर्माण कार्य आपका चालू हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे अब जैसे क्या है ना कि गली में आपका पूरा बनाया जा रहा है, इससे पहले आपका पूरा रामपथ का तो कम्प्लीट करने के बाद यहाँ पर बनाया जा रहा है, अब गली का पूरा निर्माण कार्य हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे जस्ट ये आपका सीधा साहबगंज चला जाता है, और यहाँ से अभी सीधे चलेंगे लेफ्ट में लेंगे तो सीधा देवकाली की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाला जो आपका मार्ग जाता है सामने, ये आपका गुलाबबाड़ी की तरफ जाता है, और गुलाबबाड़ी का भी मैं आपको दिखाऊँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जस्ट, ओ भाई यहाँ पर भीड़ लग चुकी है और एकदम, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रामपथ की वजह से मतलब इतना जाम लग जाता है, क्योंकि रामपथ अभी कहीं कहीं पे चालू नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। तो अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ, ये आपका सीधा गुलाबबाड़ी से होते हुए आपका चला जाएगा मार्ग ये आपका देवकाली की तरफ, अभी हम बढ़ेंगे आगे। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम सीधे निकल जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सीधा ये जो आपका मार्ग है आपका गुलाबबाड़ी इसके जस्ट बगल में है, और यहाँ से सीधा हम जो आपको फ्लाईओवर का जो भी डेवलपमेंट है देवकाली की तरफ वो सब दिखा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर बात करूँ तो एक बीफे बाज़ार लगती है यहाँ पे, बीफे मार्केट, यहाँ पर बहुत सामान सस्ता मिलता है, यहीं पर लगती है, देख सकते हैं। और इसकी हालत आज देखें, और जिस दिन बीफे बाज़ार लगेगी मैं आपको दिखाऊँगा बहुत जल्दी, तो वहाँ पर उस समय देखेंगे ना आप, तो कहेंगे भाई यहाँ पर तो पूरा रुख ही बदल दिया। और ये देखिए यहाँ पे पूरा बीच में ये ट्रक की वजह से जाम लगने वाला है, ओ भाई
यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा अभी हमने ट्रक वाले को ओवरटेक किया उसके बाद निकलते हैं सीधा, और एक मैं बहुत तगड़ा अपडेट देने वाला हूँ आपको। और यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं भाई, इस फ्लाईओवर देखो जो मैं बताने वाला हूँ वो आप भी यहाँ पे गौर करना। यहाँ से जो फ्लाईओवर जाता है सीधा आपका बना तो दिया गया है ना, लेकिन नीचे जो है वो आपको बंद कर दिया गया। जैसे बहुत ज़्यादा समस्या आती है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो इस फ्लाईओवर से अगर जो लोग चढ़ते हैं, मतलब जैसे साइकिल से हो गया, जैसे वो भाई जा रहा है एक सामने, और ये देखो इसको कितनी दिक्कत हो रही होगी। सोचो इस साइकिल से मतलब लादा हुआ है, और जैसे यहाँ पे रिक्शा वाला जाता है और वो भी लाद के अगर चढ़ता है तो उससे बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और वैसे मैं बताऊँ अगर फ्लाईओवर बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नीचे का जो यहाँ पे बनाया गया ना, नीचे का भी आपको देना चाहिए था। जैसे फ्लाईओवर बनाने से यह है कि मतलब जाम तो नहीं लगेगा, लेकिन यार और कुछ भी तो मतलब लोगों को समस्या होगी ना, तो इस वजह से नीचे को भी आपका खोलना चाहिए था, तो वो बहुत ज़रूरी था। और मैंने देखा कि यहाँ पे फ्लाईओवर पे जहाँ भी बन रहा है वहाँ पे एक दीवार टाइप का बना दिया जा रहा है, तो भाई उसको ऐसा मत करो। जैसे अगर अब जहाँ देख भाई, मतलब क्या बताऊँगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही है ये अंकल की गाड़ी पे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे जाम लगा हुआ है, और इस जाम के बाद बताऊँ तो क्योंकि यहाँ पे एक मशीन वहाँ पे आपका कार्य करती हुई, तो इस वजह से वहाँ पे जाम लग गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये देखिए एकदम बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ आपका, ये जो मार्ग है आपका सीधा मैं लेके चला है आपका रामपथ से होते हुए आपको देवकाली मार्ग तक, और यहाँ पे आपको देखने को मिल गया क्या बड़ा जाम लगा है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी यहाँ इस जाम से निकलते हैं। ये मशीन है इतनी बड़ी, किस चीज़ की है ये मुझे भी नहीं पता भाई, क्या चीज़ क्या निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे बनाई जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो जाम लगा हुआ है भाई, कितना लंबा जाम है ये देखिए। ओ भाई भाई ये देख सकते हैं आप, मतलब लाइन से कारें खड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ा जाम तो भाई वो क्योंकि मशीन वहाँ पर लगी हुई है चल रही थी, तो इस वजह से आपका बहुत लंबा यहाँ पे जाम लगते हुए देख सकते हैं आप यहाँ पे। और हम भी किसी तरह से यहाँ से निकले जाम में से। ओ भाई ये देखो ये हमारा एक दोस्त है, तो अभी हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पूरा मस्त एकदम यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आपका देवकाली मार्ग है, और यहाँ से भी जाते हैं, ये देखिए एक बच्ची कलाबाजी करते हुए यहाँ पे। और यहाँ से भी हम जाम में से निकल चुके हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बच्ची कलाबाजी करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी हम यहाँ से सीधे निकलते हैं, और आपको पूरा यहाँ का जो भी डेवलपमेंट है भाई, डेवलपमेंट की बात करूँ तो आपका यहाँ पे पूरा बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी रोड निर्माण कार्य चालू था तो उसको भी कर दिया गया, देवकाली मार्ग आपका ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी सारा वर्क हो चुका है, यहाँ पे रोड भी बना दी गई है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अभी आपका देवकाली की तरफ, तो क्योंकि बहुत कुछ अपडेट है वो दिखाते हैं वहाँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये सब यहाँ पे रोड निर्माण कार्य भी बहुत तेज़ चल रहा है। ये देखिए एक मशीन वो वाली जो पीछे आपका वर्क लगाई गई है जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है, वो एक यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ पे भी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये तो दोस्तों अभी चलते हैं आगे, और आपका आगे का पूरा दिखाते हैं आपको जो भी आगे अपडेट है। और ये अभी मैं हम पहुंच चुके हैं देवकाली की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, तो दोस्तों देख सकते हैं वो जो आपका देवकाली